पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे जब देखा तो पता चला कि हरियाली के कटोरे जैसे जगह में बसी हुई एक बस्ती है और वह उस बस्ती का नाम है बेड़ीनाथ। बच्चों पता आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि बेड़ीनाथ ही वह जगह है जहाँ से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। यानी जैसे हम कहते हैं हिमालय की गंगोत्री से गंगा निकली है, ठीक उसी प्रकार कश्मीर के बेड़ीनाथ से झेलम नदी का उत्पत्ति हुआ है या वहीं से झेलम नदी निकली है। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा भी है और एक जलकुंड भी है जिसे जहांगीर ने, और जहांगीर कौन, तो इतिहास आपको पढ़े होंगे तो इतिहास में अकबर के बारे में जाना होगा। तो अकबर का पुत्र जो था जहांगीर, वो उसी जहांगीर के बारे में यहाँ कहा गया है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से उस जलकुंड के चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। कहते हैं कि यह झेलम नदी का बेड़ीनाथ जो है उसका जो जलकुंड है वह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी विशाल झेलम नदी और इतने छोटे से कुंड से निकली होगी, लेखक को पहले तो विश्वास नहीं होता, परंतु जब लेखक ने उसे देखा तब और देखा कि लगातार वहां से पानी निकल रहा है, लगातार पानी निकला जा रहा है, तब लेखक ने मान लिया कि यह सच है कि यही झेलम नदी का उद्गम स्थल है। बाद में लेखक की बस उसी पानी की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बहुत खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ था। मन को लगने लगा कि जरूर यह स्वर्ग है और हम स्वर्ग के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने पता नहीं कहाँ से सड़क के किनारे किनारे एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम पूछा तो पता चला कि इस नदी का नाम है लिद्दर, लिद्दर नदी। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गए और पता बताओ सच बताऊं, लेखक का कहना है कि पहलगांव आने पर लगा कि वाकई में स्वर्ग आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर की दुकानें, पहलगांव आने सड़क के दोनों ओर की दुकानें, सड़क के नीचे लीतर नदी का लगातार शोर करता हुआ तेज गति से बहता पानी, इतनी खूबसूरत नदी लेखक का कहना है कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। और कश्मीर यात्रा से पहले लेखक यूरोप घूम कर आया था, यूरोप के बहुत से मशहूर नदियों को देख कर आया था, और लेखक का कहना है कि उसने लिद्दर नदी के जैसा स्वच्छ पानी, ठंडा पानी, तेज गति से बहती हुई धारा और उसकी स्वच्छता, उसकी सफाई जैसे जितनी थी उतनी उसने यूरोप के किसी भी मंदिर को नहीं, नदी को नहीं देखा था। लेखक का कहना है कि यूरोप की कोई भी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध मशहूर नदी भी लिद्दर नदी के आगे कुछ भी नहीं थी। पानी की धारा इतनी तेज की लगता था कि सांप भी अपनी रफ्तार से चले तो सांप को भी अब पीछे पानी की धारा से छोड़ दे, और इतनी स्वच्छता कि बार बार छूने का मन करे, ठंडी ऐसी कि छूने पर कपकपी आ जाए लेकिन फिर भी मन में लालच हो कि छूकर देख ला। सामने के पहाड़ में एक बस का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा तैर रहा था। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा कोल्हाई चलोगे, तो उसने कहा कि चलेंगे। लेखक ने पूछा कितना चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, तो उसने कश्मीरी भाषा में कहा बहुत बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब, यानी बहुत बहुत ज्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और चढ़ने का नाम सुनकर फिर से लेखक के जो वह मोटे छुटछुट दोस्त थे वे फिर से डर गए, घबरा गए। खैर जाना तो इसी हम लेखक को भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में जानकारी लेने के क्रम में लेखक को पता चला कि पहलगांव से 8 मील की दूरी पर चंदनबाड़ी नामक जगह है जहां तक जीप सीधे जाती है। फिर पिस्सू टॉप है जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन दुर्गम चढ़ाई मानी जाती है। वहां से आगे जाने पर शेषनाग झील मिलता है जिस झील का पानी सालों भर नीला रंग का ही रहता है, और ऐसा लगता है कि यह शेषनाग का झील की सुंदरता जो है वह स्वर्ग में जो अगर कोई नदियां होंगी
सुंदर तो उस नदी से इसका सामना हो रहा होगा, यानी चक्कर ले रहा होगा। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहाँ रक्षा बंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं, जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमा है। चांद के घटने बढ़ने के कहने का परिणाम पर लेखक का तात्पर्य यह है कि जैसे महीने हम लोग देखते हैं। हिंदी बच्चों, आप लोगों ने हिंदी का महीना के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो अपने माता पिता से एक बार जरूर पूछेंगे कि महीना जो होता है उसे दो भागों में, ऐसे आप लोग अंग्रेजी में 30 दिन का महीना या 30 दिन का जानते हो, परंतु हिंदी में महीने 30 दिन को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में जो होता है उसमें पहले दिन से चांद के आकार थोड़ा 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 घटना शुरू होता है, और क्या होता है 15वें दिन चांद बिल्कुल 9 के बराबर दिखाई देता है, जिसे हम लोग आम भाषा में अमावस्या बोलते हैं, जिस दिन चांद नहीं दिखता। और जो शुक्ल पक्ष जिसे हम तिजोरिया भाषा बोलते हैं आम भाषा में, तो इसमें शुक्ल पक्ष में क्या होता है पहले दिन से ठीक 15वां अमावस्या होता है, जिस दिन चांद 9 के बराबर दिखाई देता है, 16वें दिन से फिर से चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और बढ़ते बढ़ते ठीक 15वां यानी 30वां दिन चांद पूरे अपने आकार में आसमान में आता है, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो जैसे जैसे चांद का आकार पहले दिन से चांद का आकार घटना शुरू होता है, वैसे ही शिवलिंग का भी आकार घटना शुरू होता है, और फिर जैसे जैसे चांद का आकार बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे फिर शिवलिंग का भी आकार बढ़ना शुरू होता है। इसी से यहाँ पर लेखक ने इस बात को समझाने के लिए कि जैसे चांद के घटने बढ़ने, चांद के आकार के घटने बढ़ने के से शिवलिंग की तुलना की है। अब जो है अब तय होता है कि अब श्रीनगर चला जाए, बस में बैठे कि श्रीनगर पहुंच गए, पहुंचे भी नहीं थे कि लेखक का मन जो है ललचाने लगा कि श्रीनगर आए हैं तो कम से कम 10 दिन में तो घूमना चाहिए। अब लेखक ने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई जल झील कहाँ है, उस व्यक्ति ने बताया कि और लेखक और उनके मित्र पूरी उत्साह जोश के साथ जल झील के किनारे आ गए। असल में सच्चाई यह भी है कि श्रीनगर जो है झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी भी सिकारे में बैठकर, सिकारे यानी नाव का नाव, तो सिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा पानी में बैठे बैठे ही, नाव में ही बैठे बैठे घूम सकते हैं। दल का मजा बिना सिकारे में बैठे आप नहीं ले सकते हैं। सो साहब एक सिकारा किराए पर किया गया, लिया गया, और मजा चप्पूओं की छप छप के साथ ही आने लगा, चप्पू जिससे नाव को आगे बढ़ाया जाता है और पानी को पीछे धकेला जाता है। आप नाव में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। अब आपके बच्चों, आपके मन में होगा कि नाव में बैठे हैं और नाव से दुकानें कैसे मिलेगी, तो आप एक नाव में बैठे हैं लेकिन और बहुत सारे नाव होते हैं जिन नावों पर सामान वाले सामान अपना रख करके बेचते हैं। तो कुछ नावों पर फूल होते हैं, कुछ पे केसर होते हैं, कुछ पे केसर कश्मीर की रेशम से बनी कुछ काम वस्तुएं होती हैं, यानी नाव पर भी आप मार्केटिंग या खरीदारी कर सकते हैं। लेखक के एक मित्र जो थे वह केसर पर मोहित हो गए, खुद भी उन्होंने केसर खरीदा और अपने और साथियों को भी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। फिर हम लोग लेखक और अपने उनके मित्र चार चिनार तक गए। चार चिनार वह जगह है जहाँ पर चार चिनार के बड़े बड़े वृक्ष है, और उस वृक्ष वह एक छोटा सा टापू है, एक छोटे से टापू पर ही चार चिनार के बड़े बड़े वृक्ष है, इसीलिए उसे चार चिनार नामक जगह बोला जाता है। और यह जगह जो है आस पास डल के पानी से घिरा ही बड़ा ही सुंदर लगता है। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर जगत गुरु, यहाँ कह सकते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी मंदिर है। वहाँ हम लोग टैक्सी से, लेखक और उनके मित्र टैक्सी से गए, और फिर वही टैक्सी उन्हें वहाँ से निशात बाग ले गए। निशात बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी, यानी एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ
एक खूबसूरत सा बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में जब आप खड़े होकर के डल झील में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है लगेगा कि मानो एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री औरत जो है वो एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत से आईने में खड़ा होकर के अपना चेहरा झांक रही है। डल के पश्चिम में निशाद के सामने नसीम बाग है, जिसे सम्राट जिसको सम्राट अकबर ने इस नसीम बाग को लगवाया था और उसको ठंडी हवाओं का झोंका के नाम से भी जाना जाता है।